चलेगा। सभी को गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस टॉपिक जिसका नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा बाबू आराधना, सभी लोग से हेडिंग डाल लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? चलेगा, अगर सुन पा रहे हैं बाबू तो हेडिंग डालिएगा हाइट एंड डिस्टेंस। चलेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा बाबू हाइट एंड डिस्टेंस। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है रुपेश? चलेगा, जल्दी से बाबू हाइट एंड डिस्टेंस। श्वेता गुड मॉर्निंग, कल कहां थी तू जी? श्वेता कल कहां थी? रुपेश कल कहां था बाबू? आप लोग ऐसे क्लास करते हैं, कब दिन ऐसे पढ़ाई होगा क्या? चलेगा, मिथिलेश कुमार हाँ सर। चलेगा बाबू, जल्दी से हेडिंग डालिएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे बनाया जाता है। सुबह बहुत दिनों के बाद आया है बाबू, किस चीज का गम था? पूनम भी, उसके बाद ये टेन साठ डिग्री बाबू रूट थ्री, उसके बाद रखेंगे बाबू बाबू टेन थीटा लंब बट्टा आधार। बस इतना हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ऐसा नहीं कि आपको सभी त्रिकोण अनुपात का मान याद रखना है, केवल आप टेन का याद रखिए। टेन इसका मान एक बट्टा रूट थ्री, टेन साठ का मान रूट थ्री बट्टा एक, टेन पैतालीस का मान एक बट्टा, ठीक है, और टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। चलेगा बाबू, अब हम समझते हैं थोड़ा सा आपका चलेगा ट्रेलर बेसिक है ना, क्या चलेगा जी? उसमें आपको उन्नयन कोण की जानकारी लेना है। उन्नयन कोण कौन सा कोण बाबू? उन्नयन कोण लोग समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या, ठीक है ना जी? उन्नयन कोण बाबू कृपा शंकर, उन्नयन कोण समझिएगा सभी लोग, उन्नयन कोण है क्या? उन्नयन से, ठीक है ना, उन्नयन मतलब हो माने ऊपर, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं जी ऊंचाई एवं दूरी, सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो देख रहे हैं उन्नयन से बाबू ऊ है और ऊ से ऊंचाई है, तो ऊ के मतलब आप क्या समझेगा? ऊंचाई समझेगा। तो उन्नयन कोण कब बनेगा बाबू? जब बाबू आप नीचे से ऊपर, जब नीचे से आप ऊपर, ऊपर तो उन्नयन, ऊपर तो उन्नयन, ठीक है ना। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पास जो वैल्यू बनेगा, यहाँ पास जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसी कोण को बोलते हैं उनियन कोण। उनियन कोण आया बात समझ में आपको बाबू? जब नीचे से हम लोग ऊपर देखेंगे, मान लिया जाए ये किसी छत है जी, और कुछ छत पे बाबू कोई वस्तु, ठीक है ना, यहाँ पास कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति जो है ऊपर देख रहा है। जब ऊपर देख रहा है बाबू तो ये देख रहा है, तो ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, और बाबू क्षैतिज रेखा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर देखने दृष्टि रेखा और आंख के क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है बाबू? ताकि सर जी उन्नयन कोण कहलाता है। आया बात में समझ बाबू? ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। एक और कोण होता है बाबू, एक और कोण, उसको कहते हैं अवनमन। अब नमन, अब नमन कोण बाबू समझेगा कि अब ऊपरे नहीं देखेंगे, अब ऊपरे नहीं देखेगा। अब कहां देखो कि बाबू यहाँ पास कोई छत पर है जी, कोई छत पर लड़का खड़ा है और देख रहा है कि एक सड़क पे बाबू इसका घर है, ये घर है बाबू, ऊपर में छत है, छत पर लड़का खड़ा है, देख रहा है कि सड़क पर एक लड़की जा रही है, ठीक है ना। तो लड़का ऊपर से देखता है लड़की को, जब ऊपर से देखा, ऊपर से देखा कहा नीचे, तो बाबू ये देखा तो ये वाला दृष्टि रेखा, ठीक है ना, ये कौन रेखा? दृष्टि लड़का है बाबू, ये आंख का बाबू क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों के बीच जो थीटा कोण बनेगा, इसी को कौन कौन बोलेंगे? अवनमन कोण। कौन कौन बोलेंगे बाबू? अवनमन कोण। आया बात समझ में? जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। अब बाबू बताएगा ये क्षैतिज रेखा है जी, और ये आपका धरातल है, तो दोनों बाबू क्या होता है? समांतर होता है। जब दो रेखा समांतर हो,
और एक तिर्यक रेखा हो तो ये जितना कोण बनेगा उतना ही कोण आपका ये भी बनेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं नमन कोण और उनियन कोण क्या होता है, तो कि सर जी बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब नमन कोण और उनियन कोण आपका क्या होगा बाबू, बराबर होगा। चलिएगा, उम्मीद करते हैं जी कि आपको उनियन कोण और अब नमन कोण समझ में आ गया होगा। और आगे हम इसमें चलिएगा, इसमें चलिएगा बाबू, हम बतलाना चाह रहे हैं, आइएगा उसको समझिएगा, ठीक है ना। हम लोग ये टॉपिक आपको हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है जी, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वही चीज लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी से हम लोग कैसे बनाए, तो आइएगा जल्दी से बनाने के लिए बाबू विकास हम लोग कुछ बात को सीखना जरूरी है, ठीक है ना। आइएगा हम आपको सिखाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलेगा फिगर आपका बाबू, फिगर के माध्यम से हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फिगर आपका वन, चलेगा फिगर आपका बाबू वन, चलेगा फिगर वन क्या कहता है जी बाबू। फिगर वन जी, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें आपका यूनियन कोण सिंगल दिए हुए रहेगा, एक आपका यूनियन कोण दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। फिगर वन आपको इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। चलेगा तो ए आपका कौन कौन हो जाएगा जी, ए आपका जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कौन कौन, तो बोलिएगा कि सर जी ए आपका ओनियन कौन होगा। ओनियन कौन मान ले रहे हैं हम 30 डिग्री, आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में बाबू 30, 60, 45 बस इतना ही आने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है ना। न तो साइन याद रखेंगे, न तो कॉस, न तो कुछ, केवल आप टेन याद रखिए। 10 30 का मान 1/√3, 10 60 का 3/1, 10 45 का मान 1/1, 10 बाबू थीटा बराबर पी बटा भी। चलेगा समझेगा बाबू, कह रहे हैं कि मान लो कि अगर बाबू उनियन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो बाबू 30 डिग्री है तो आपको कुछ नहीं, आप यूनिट सीखिए, ठीक है ना। हम आपको जो सिखा रहे हैं यूनिट निकालने के लिए, अगर आप माहिर हो गए और आप माहिर हो जाइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। देखिए अगर यूनिट आप बाबू निकालने के लिए सीख गए तो हाई टेन डिस्ट, ठीक है ना। कौन हमने मान लिया बाबू थीटा बराबर डिग्री मान, चलिएगा तो 30 डिग्री के माध्यम बाबू हम लोग समझेंगे कि टेन 30 डिग्री होता है कितना, तो बोलिएगा कि सर जी 30 डिग्री के मान होता है कितना, 1/। बाबू बगल में हम लोग सीख लेते हैं टेन थीटा बाबू, ताकि सर जी P/B होता है, मतलब ये आपका बाबू परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक यूनिट है ये आपका लंब है और जो भार है कितना है √3 है। तो बताइएगा ये आपको बाबू राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो इसमें बतलाइएगा इस वाले को क्या बोला जाता है, तो कि बोलिएगा कि सर जी इसको लंब बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे बाबू कि लंब है कितना जी, तो बोलिएगा कि सर जी लंब आपका है 1 यूनिट है, लंब कितना है बाबू 1 यूनिट। हम पूछेंगे आधार कितना है बाबू, तो बोलिएगा सर जी की आधार आपका है √3 यूनिट। आया बात समझ में, यानी कि 10 30 के माध्यम से हम लोग समझ गए कि 1 यूनिट अगर लंब है तो √3 क्या है बाबू, आधार है। तो क्या आपसे कोई कर्ण पूछेगा तो नहीं बता सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल का वर्ग, वर्गमूल। तो बाबू इसका स्क्वायर करेंगे 3, एकर स्क्वायर करेंगे 1, 3 × 1 = 4, और 4 के वर्गमूल 2, तो आपका कर्ण का जो यूनिट हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, इसी तरीके से मान लिया जाए बाबू अगर उनियन कोण 60 डिग्री दे दिया, तो अगर बाबू उनियन कोण आपको 60 डिग्री दे देगा तो फिर कैसे करेगा जी, तो उनियन कोण 60 डिग्री तो 60 हम लोग लिखेंगे। अब बाबू सोचेंगे कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तब बोलेगा कि सर जी टेन 60 का वैल्यू होता है √3/1, यही ना जी। अब बतलाएगा टेन 60 और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी कि अबर बाबू लंब कितना हो जाएगा, अबर हो जाएगा लंब आपका √3 और आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया बात समझे बाबू, तो उसी तरीके से आपका कर्ण कितना हो जाएगा, ये आपका 1 है, ये आपका √3 है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब मान लिया जाए बाबू आपका उनियन कोण हो सकता है 45 डिग्री दे दे, थीटा बराबर कितना डिग्री दे दे बाबू 45 डिग्री, तब बतलाइए जी आपका उनियन कोण 45 डिग्री दे दिया, तो टेन 45 का वैल्यू कितना बतलाइएगा बाबू, बोलिएगा कि सर जी टेन 45 का वैल्यू 1/1, ऐसे तो टेन 45 का वैल्यू बोलते हैं 1, लेकिन हम लोग 1/1 लिख लिए,
अपने सुविधा के लिए कि किसी भी चीज का नीचे कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, एक होता है। तो टेन 45 का वैल्यू एक बट्टा एक और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कोची बाबू आधार, यानी कि लंब भी आपका एक यूनिट और आधार भी आपका एक यूनिट, तो कर्ण कितना हो जाएगा बाबू रूट टू, एकर स्क्वायर एक, एकर स्क्वायर एक, एक एक के जोड़ेंगे दो और दो का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू रूट टू हो जाएगा। चलेगा इतना बाबू, सभी लोग को समझ में आया? कृपा शंकर, पूनम लेट से आई, क्या आपको समझ में आया जी? चलिए फिर से एक बार बताते हैं। फर्स्ट फिगर बाबू हमने माना टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री के माध्यम से हम लोग बाबू ऊंचाई देखें, ये आपका दूरी है, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है बाबू आप समझिए, हम आपको बता रहे हैं, मौखिक बनाइएगा, उंगली पे आपका होगा, देखिएगा तुरंत कैसे बनाएंगे। हम लोग समझेंगे कि अगर उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री है तो ऊंचाई होगा एक, आधार होगा कितना रूट थ्री, आया बात समझ बाबू। अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो ऊंचाई होगा कितना रूट थ्री, आधार होगा कितना एक और कर्ण होगा कितना बाबू दो। अगर बाबू आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो आपका ऊंचाई होगा एक और बाबू आधार भी होगा एक, लेकिन कर्ण कितना आ जाएगा रूट थ्री। तो आपको बाबू जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो एक्यूरेट वैल्यू है किसका है, ऊंचाई का है या फिर दूरी का है या फिर आपका कर्ण का है, ठीक है ना। तो ऊंचाई की अगर बात करें तो समझना है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, आया बात समझ में। अगर दूरी दिया रहे तो समझना है कि इसका वैल्यू दिया है, अगर कहे कि तिर्यक लंबाई तो आपको समझना है किसका वैल्यू है, कर्ण का वैल्यू है, आया बात समझ बाबू। अगर इस चीज को समझे हैं तो कितना शॉर्ट बनाएंगे आइएगा देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा एक सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बाद और हम लोग बेसिक चीज सीखेंगे तब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। चलेगा एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं बाबू, चलेगा एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ चल जाएगा आज, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है बाबू, कोई व्यक्ति 50 मीटर ऊंचे, 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण भवन से कुछ दूरी पर से 30 डिग्री पाता है तो वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति तो बाबू कहता है कि तो वह व्यक्ति भवन से कितना दूरी पर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। आज का बाबू सवाल नंबर वन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, कहता जी कि कोई व्यक्ति 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है ना। हम आपको बाबू एक आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, उसके बाद आप खुद डायरेक्ट बनाइएगा। कहता है कि कोई व्यक्ति 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो भवन बाबू इस तरीके से कुछ होगा, भवन का हाइट होगा, आप देखते होंगे अक्सर, ठीक है ना। शीर्ष का उन्नयन कोण भवन से 30 डिग्री पाता है, ठीक है ना। कहता है कोई व्यक्ति 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष, ये बाबू 50 मीटर ऊंचा है, शीर्ष क्या बोलते हैं बाबू ऊपर वाले को, इसको बाबू शीर्ष है, ठीक है ना। शीर्ष का उन्नयन कोण भवन से कुछ दूरी पर, ये भवन है बाबू, कुछ दूरी पर यहां व्यक्ति एगो खड़ा है, यहां से देख रहा है कि छत पर कोई खड़ा है, तो यही कहता है कि 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री पाता है बाबू 30 डिग्री पाता है। तो पूछता है कि यह व्यक्ति जो है भवन से कितना दूर पर है, आपको यही बतलाना है कितना दूर पर है, ठीक है ना। अब बाबू दिया 10 30 डिग्री, तो आपको 10 30 डिग्री का मान तुरंत याद रखना है कि 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 10 के ऊपर का लंब होता है निचल का आधार, यानी कि वाला एक है, आई आपका √3 है, यही आपसे पूछ रहा ना बाबू, यही भाट लगा है। ये 50 मीटर केकर मान दे है, एक के मान 50 मीटर, तो दो के मान 100 मीटर, तो तीन के मान 150 मीटर,
तो उसी तरीके से पूछ रहा है रूट थ्री का मान, तो एक के मान 50 तो रूट थ्री के मान तो गुना कर देंगे बाबू 50 रूट थ्री मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में आया था ना, तो 50 रूट थ्री आपको इस तरीके से, तो हमको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है जी, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम बताएं ना कि हाइट एंड डिस्टेंस आपका उंगली पर होगा, तो उंगली पर कैसे सोचिएगा आइएगा। कहता है कोई व्यक्ति 50 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का यूनियन कोण, ऊंचे यानी कि ऊंचाई कितना दे दिया 50 मीटर, आपको माइंड में रखना है ठीक है ना। कहता है यूनियन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ऊपर वाला को ऊंचाई आप ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है ना, दे ठेठ भाषा में समझ सकते हैं कि ऊपरे ऊंचाई और नीचे आधार, यही ना बाबू आधार है, नीचे आधार। तो ई बाबू ऊंचाई देल है, कहता कि ऊंचाई देल है यानी कि एक के मान 50 मीटर, तो आपसे पूछ रहा हूं बताए ना कि अगर दूरी पूछे समझिए कि आधार पूछ रहा है ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है दूरी कितना दूरी पर खड़ा है यानी कि रूट थ्री के मान, तो 50√3 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया बात समझे बाबू, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक है अगर आप माइंड में याद रखते हैं तो ठीक है ना। और तीन को वैल्यू है बाबू, याद रखना बहुत बड़का चीज नहीं है। चलेगा इसी तरीके के देते हैं बाबू, कोई व्यक्ति ठीक है ना जी, इसी तरीके का क्वेश्चन एक और देते हैं जी, लिखिए कोई व्यक्ति किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है यदि वह व्यक्ति टावर से 40 मीटर दूर हो, 40 मीटर दूरी पर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें चलेगा। टावर की हाइट बराबर भाट बोला है ठीक है ना, तो जल्दी से बतलाइएगा सभी लोग बाबू। हमने बताया कि मौखिक बनाइएगा, प्रेम कुमार गुड मॉर्निंग सर, हम दिलीप जी बहुत बढ़िया जहानाबाद से, बहुत बढ़िया प्रेम जी चलेगा। तो आपको बतलाना है बाबू हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नंबर फर्स्ट, चलेगा सवाल नंबर फर्स्ट प्रेम जी, सेकंड सॉरी सवाल नंबर सेकंड ठीक है ना। आपका एकदम बेसिक दिया जा रहा है, उंगली पर हमने बताया कि उंगली पर होगा, इसका मतलब उंगली पर होगा। पूनम कुमारी बता रहे 40√3, बहुत बढ़िया पूनम चलेगा। आपका बाबू उमाकांत का भी 40√3, भानु शर्मा हम रूपांजलि बहुत बढ़िया बाबू रूपांजलि बनाइए जल्दी से, आप फर्स्ट बार आए हैं शायद। मितलेश कुमार 40√3, सालनी 40√3 चले बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बाबू आपका हाइट एंड डिस्टेंस उंगली पर होगा ठीक है ना। आपको बाबू कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं है, जीके जीएस की तरह हम लोग मैथ को पढ़ेंगे चलिए बहुत बढ़िया। स्क्वायर 40√3 ठीक बहुत बढ़िया चलेगा। तो ध्यान देना बाबू, कहता है कि कोई व्यक्ति किसी टावर के शीर्ष का यूनियन कोण कितना डिग्री पाता है 60 डिग्री। अब बाबू 60 डिग्री का वैल्यू कितना बताए, √3/1। टेन 60 का वैल्यू कितना, √3/1। ऊपर का बाबू कौची, ऊपर का ऊंचाई यही ना कहे, ऊपर का ऊंचाई और निचल का बाबू कौची आधार, ऊपर का ऊंचाई और निचल का आधार। रविशंकर आई एम न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं रविशंकर जी आइए ध्यान दीजिएगा। अब कहता है बाबू 60 डिग्री, यदि वह व्यक्ति टावर से 40 मीटर दूर, हम बताएं जी दूर है मतलब कौन है आधार है, दूर है मतलब कौन है आधार है, तो आधार एक, एक का मान कितना मीटर 40 मीटर, तो आपसे पूछा जा रहा टावर की हाइट ऊंचाई, ऊंचाई कितना के मान बाबू √3 के मान, तो एक का मान 40 तो दो के मान 80, तीन का मान 120 यानी कि 3 और 40 में गुना करते हैं, उसी तरीके से 40 में गुना करना है तो 40√3 मीटर आपका आंसर ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बाबू हम लोग शॉर्ट बनाएंगे चलेगा। एक क्वेश्चन और देते हैं बाबू, आपको मौखिक करना होगा सब ठीक है ना, सभी लोग मौखिक बनाएंगे। कहता है कि कोई पुजारी मंदिर से कुछ दूरी पर खड़ा होकर
अपने मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाता है, 45 डिग्री पाता है। यदि मंदिर की ऊंचाई 100 मीटर हो तो पुजारी मंदिर से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो पुजारी मंदिर से कितनी दूरी पर है, दूरी पर है, चलेगा बतलाइएगा। देखिए पूनम कुमारी का सौ बहुत बाबू खुशी हो रहा है कि हम क्वेश्चन भी नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया पूनम। राजा बाजार वाली पूनम कहाँ है जी, ये पूनम कहाँ से, बक्सर से है। और राजा बाजार वाली पूनम बहुत बढ़िया, रुपेश 100, आराधना 100, शालिनी 100, बहुत बढ़िया बाबू। इसी तरीके से उंगली पे आपका होना चाहिए बाबू, स्क्वायर हच ए स्क्वायर बाबू मितलेश 100, बहुत बढ़िया। अब 45 बाबू उन्नयन कोण कितना दिया 45, और टेन 45 का मान बाबू यानी कि 45 डिग्री के वैल्यू 1/1, एक भी बाबू आपको ऊंचाई और यहू बाबू आपका दूरी, ठीक है ना, दूरी दिया है। तो अब देखिएगा कोची दिया हुआ है शीर्ष का उन्नयन कोण, यदि मंदिर की ऊंचाई ना बाबू, यदि मंदिर की ऊंचाई दिया है 100 मीटर, ऊंचाई है कितना एक, एक का मान 100 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर, तो दूरी भी आपका एक है बाबू यानी बराबर है, तो एक का मान भी कितना जाएगा 100 मीटर आपका उत्तर। पूनम 109 लिख रही है, टाइप करने में गलती हो गया, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, चलेगा। अब बाबू एक और हम दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर देखते हैं कौन लड़का दिमाग लगा पाता है। हमने बताया बाबू कि आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझना चाहिए कि कौन है ऊंचाई, कौन है दूरी और कौन है कर्ण, ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, तो आप शॉर्ट बनाएगा और आपका मैथ उंगली पर होगा। एक और क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है कि कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, जिसमें लगे डोरी की लंबाई, जिसमें लगे डोरी की लंबाई, जिसमें लगे डोरी की लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है, तो धरातल से, तो धरातल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, जल्दी से बतलाएगा बाबू। आपको पूछा जाता है कि धरातल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, चलेगा जल्दी से बाबू उत्तर दीजिए। पूनम जल्दी से उत्तर बतलाइए बाबू, प्रेम कहता बाबू कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है जिसमें लगे डोरी की लंबाई 200 मीटर है। आप बाबू बचपन में जाइए, आप पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि डोरी किस तरफ जाता है, ठीक है ना, उड़ा रहे हैं और कहता है कि डोरी की लंबाई 200 मीटर है, धरातल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। उन्नयन को नहीं दिया है बाबू, एक मिनट सॉरी, यदि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, यदि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, चलेगा बहुत बढ़िया बाबू, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, चलेगा जल्दी से बतलाइएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए बहुत बढ़िया, कृपा शंकर का 100√3 आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है जी। और बाबू और लोग, चलेगा रुपेश 100√3, चलेगा थीटा बराबर कितना बाबू 60, और टेन 60 का बाबू √3/1। ये बाबू कौची हम बताली हो, ये कहे कि ऊंचाई है, ये कौची कहे जी कि दूरी है। अब बाबू हम कर्ण बताएं, ये आपका लंब है, ये आधार है, तो कर्ण कितना है बाबू, कर्ण है आपका 2 है।
आप बतलाइए पूनम, कर्ण दो है, आप कभी बचपन में पतंग उड़ाए होंगे तो आपको एहसास होगा पतंग है बाबू। इस तरीके से पतंग में जो डोरी रहता है बाबू, ये रहता है डोरी, और डोरी ये जो लटाई है या जो बोलते हैं वो लड़का के हाथ में रहता है, ये पतंग का ऊंचाई है, ठीक है ना, इस पे बाबू लड़का खड़ा है, ठीक है ना, ए तो ये आपका पतंग का ऊंचाई है कि पतंग इतना ऊंचा पर उड़ रहा है, लेकिन जो डोरी होता है ऐसा ना होता बाबू, हम लोग क्रॉस में देखते हैं कि डोरी तिरछा होता है, तो यही आपका डोरी है, आई आपका बाबू ऊंचाई है, ये आपका बाबू यानी पी है, ये बी है, ये आपका एच है, तो ऊपर वाला पी, नीचे वाला बी, आई आपका एच, आई एच का मान दिया हुआ है कितना 100, 200 मीटर, यानी कि 2 का मान बाबू 200, तो 1 का मान 100, तो आपसे पूछा जा रहा है पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई ऊपर वाला ना बाबू, तो यानी कि रूट थ्री के मान, तो 100√3 मीटर आपका आंसर आया, बात समझ में। श्वेता अभी तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दी है, चलेगा, अब बाबू हमारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, चलेगा, एक और हम प्रश्न देते हैं, ठीक है ना आराधना, एक प्रश्न और देते हैं और देखते हैं कि अबर आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हैं, ठीक है ना, एक प्रश्न और हम दे रहे हैं सिंपल सा, अभी हम लोग बाबू एक ही यूनियन कोन दे रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद डबल यूनियन कोन आएगा, चलेगा, एक क्वेश्चन बाबू बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, आंधी आने से कोई पेड़ किसी ऊंचाई से टूट जाता है, कहता है कि आंधी आने से कोई पेड़ किसी ऊंचाई से टूट जाता है, आप लोग देखे होंगे आंधी में जी पेड़ को टूटे हुए, ठीक है ना, तो वही कहता है कि आंधी आने से कोई पेड़ किसी ऊंचाई से टूट जाता है। अब कहता है कि टूटा हुआ भाग जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन पर कितने डिग्री का कोण बनाता है बाबू, 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 50√3 मीटर की दूरी पर हो तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करें, बताना है आपको बाबू पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करना है, जल्दी से बतलाइए बाबू, देखते हैं कौन बनाते हैं। कहता है क्वेश्चन की आंधी आने से कोई पेड़ किसी ऊंचाई से टूट जाता है, अब कहता है बाबू कि टूटा हुआ भाग जो है जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि पेड़ का शीर्ष जमीन पर पेड़ की जड़ से 50√3 मीटर की दूरी पर हो तो पेड़ की वास्तव में ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ का जो वास्तविक ऊंचाई होगा कितना होगा, जल्दी से बतलाइएगा बाबू, आपके पास एक मिनट का सवाल दे रहे हैं, जैसे टाइम दे रहे हैं, एक मिनट में आप इसको पूरा कीजिए, चलेगा, जल्दी से बाबू जवाब दीजिए इसका। आप बाबू अगर कभी पढ़े हैं हाइट एंड डिस्टेंस तो ही बना सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा, कोरोना वायरस का आ गया 150 है बाबू कि 1500 है जी, तो गलत है, सालनी का 50 मीटर गलत है बाबू, सालनी तुम और सुधारो, ठीक है ना, तुम लाइन पर हो लेकिन बाबू तुमको और सोचना होगा, ठीक है ना,
आप सही कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधारिए। मिथिलेश का 150, रुपेश का 100। रुपेश का गलत है जी। पिंटू 100 गलत है बाबू, चलेगा। और बतलाइए जी, चलेगा। समय हो गया आपका बाबू। मिथिलेश का सही था 150, शालिनी शर्मा अभी तुम सुधारी, 150 सही है बाबू, चलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है शालिनी, आराम से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, चलेगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। कहता है बाबू कि कोई पेड़ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है ना। आंधी आएगा बाबू तो कहता है किसी ऊंचाई से टूट जाता है, किसी ऊंचाई से। यहां से मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि टूट गया, तो ये जो बाबू भाग टूटा, तो यही भाग टूटा तो कहां गिरा, इस तरीके से धरातल पे गिरा। ये आपका शीर्ष है जी, तो ये आपका शीर्ष होगा और धरातल से इसको मिला दिए, तो गिरा बाबू। तो कितना डिग्री के कोण बनाया, 30 डिग्री के कोण बनाया। तो जितना लंबाई होगा बाबू उतनी लंबाई होगा, आ रहा बात समझ में जी, चलेगा। अब कहता है 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री में इबला एक, इबला रूट थ्री, इबला कितना, दो। बाबू इबला जब दो है तो यह दुए ना होगा जी, तो पेड़ की रियल में ऊंचाई कितना यूनिट होगा, ताकि सर जी रूट थ्री सॉरी 3 यूनिट होगा। अब कहता है यदि पेड़ की जड़ से 50√3 मीटर की दूरी पर हो, यानी कि पेड़ का जो शीर्ष है वाला, इसका जड़ से कितना मीटर की दूरी पर है, 50√3 मीटर की। अब देखिए किसका मान है, रूट थ्री का मान, तो हम लोग कहेंगे रूट थ्री का मान 50√3, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, एक का मान बाबू कितना 50 मीटर। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, तो वास्तव में पेड़ ये ना ऊंचा था बाबू, कितना यूनिट है, 3 यूनिट, और ऊंचाई बराबर 3 का मान, 3 × 50, अब 50 दी आई 150 मीटर, जिनका आया था बाबू। मिथिलेश सबसे पहले दिए सब जवाब, कृपा शंकर, पिंटू, कोरोना वायरस, पूनम 100 कैसे बता रही है, शालिनी का भी सही था, आराम से बनाएंगे शालिनी हम लोग, चलेगा। और बाबू हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने देखा बाबू यूनियन कोण कितना है, एक ही है, ठीक है ना। एक हम लोग थीटा का मान निकालने के लिए सीख जाते हैं, थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे जी, चलेगा। क्वेश्चन एक रहेगा बाबू इस तरीके से, क्वेश्चन दे देगा जी, कहता है जी किसी समय किसी पेड़ की ऊंचाई का √3 गुना है, तो उस समय उन्नयन कोण कितना प्राप्त होगा, उस समय उन्नयन कोण कितना प्राप्त होगा, चलेगा। क्वेश्चन है बाबू किसी पेड़ की ऊंचाई का कितना बाबू √3 गुना है, तो पूछ रहा है तो उस समय उन्नयन कोण कितना बनेगा, ये आपको पूछ रहा बाबू उन्नयन कोण। तो आप बतलाइए जी छाया कैसे बनता है, तो उन्नयन कोण निकालना है, जल्दी से बनाइए। कितना होगा बाबू उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है जी, उन्नयन कोण पूछ रहा है बाबू। तो देखिए पेड़ बाबू यही है, अब पेड़ की छाया नीचे गिरता है जी, ये पेड़ है छाया है, तो बोला कि किसी समय पेड़ की छाया ऊंचाई का √3 गुना है। अगर ऊंचाई है बाबू एक, तो इबला है कितना √3 है, तो पूछता है कि इबला उन्नयन कोण कितना होगा, तो बाबू बताओ कितना डिग्री में ऐसा स्थिति बनता है, कितना डिग्री में बनता है जी, तो बोले है कि सर जी थीटा का मान 30 डिग्री आपका आंसर। तो उन्नयन कोण आपको पूछेगा बाबू, तो आपको बतलाना है कितना डिग्री, 30 डिग्री, आया बात समझ में जी, चलेगा। प्रेम 30 डिग्री, कोरोना वायरस 30 डिग्री, ठीक है ना। शालिनी शर्मा 30 डिग्री, बहुत बढ़िया बाबू शालिनी, बहुत अच्छा कर रही हो। उमाकांत 30 डिग्री, ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन देते हैं बाबू, अब देखते हैं कौन सही करते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ चलेगा, अब इसी में क्वेश्चन बाबू देते हैं, किसी समय
किसी पेड़ की छाया, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। बाबू देता है, कहता है यदि किसी व्यक्ति की लंबाई, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 3 मीटर हो तथा किसी समय उसका छाया √3 मीटर हो, तो उस समय उन्नयन कोण कितना बनेगा, जल्दी से बतलाइए। बोलता है जी कि यदि किसी व्यक्ति का ऊंचाई 3 मीटर है तथा उसी समय या किसी समय उसकी छाया जो है √3 मीटर है, तो उस समय उन्नयन कोण कितना बनेगा। अब बताना उन्नयन कोण कितना बनेगा, चलेगा जल्दी से बतलाइएगा। उमाकांत का आया 60 डिग्री, और बाबू उमाकांत 60 डिग्री, शुभम वर्मा 60 डिग्री, आराधना 60 डिग्री, और बाबू 60 वाले का गलत है जी, 60 डिग्री है जिनका गलत है। पूनम भी बता रहे 60 डिग्री, सब बाबू गलत की ओर जा रहे हैं, कोई तो सही बताओ। रुपेश भी 60 डिग्री बता रहे हैं, कृपा संगर 60 डिग्री, यानी कि अब हमको भी 60 डिग्री वाले को ही सही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1, 2, 3 आदमी गलत हो सकते हैं, सभी आदमी गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए सालनी बता रही है 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे होगा बाबू सालनी, ठीक है ना, 30 डिग्री कैसे होगा जी। कहता है बाबू पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, यानी व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति है, ऊंचाई है कितना 3, छाया है इसका है √3, उन्नयन कोण पूछता है कितना होगा जी, यानी कि tan थीटा बराबर पूछता है, tan थीटा बराबर क्या, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार तो 3/√3, ये कटेगा बाबू कितना बार में, और √3 बार में नीचे कुछ ना, तो एक, तो tan कितना डिग्री में है बाबू, tan 60 डिग्री में ना, तो थीटा बराबर कितना डिग्री बोलिएगा, 60 डिग्री आपका आंसर हो गया जी। एक आपको मौखिक क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग सही से उत्तर दीजिएगा, तुरंत दीजिएगा, ठीक है ना। एक आप लोग बाबू मौखिक क्वेश्चन सुनिएगा और जल्दी से बतलाइएगा कौन आंसर देते हैं। क्वेश्चन है बाबू किसी वस्तु का ऊंचाई, ऐसे क्वेश्चन है बाबू किसी वस्तु का छाया किसी समय वस्तु के लंबाई के बराबर है, तो उस समय उन्नयन कोण कितना प्राप्त होगा, उस समय उन्नयन कोण कितना प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन है जी। किसी वस्तु की छाया किसी समय उसकी लंबाई के बराबर है, तो उस समय उन्नयन कोण कितना प्राप्त होगा। कृपा शंकर 45 डिग्री, पूनम 40 डिग्री, रुपेश 45 डिग्री, कृपा शंकर, चले बहुत बढ़िया। तो बाबू ऊंचाई और आधार बराबर होता है कम, लंब और आधार 45 डिग्री में, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बताएगा, 45 डिग्री। आप लोग इसी तरीके से बनाए, ठीक है ना, चलेगा। अब बाबू एक कोण वाला कहानी खत्म हो गया, अब डबल कोण की बात करते हैं, ठीक है ना। अब बाबू क्वेश्चन में आएगा आपका डबल कोण, तो समझिएगा बाबू डबल कोण भी आप उंगली पर बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको सबसे पहले समझ जाइए, चलेगा। अब बाबू उन्नयन कोण आपका 2 गो देगा। अब फिर से हम लोग फिगर समझते हैं, फिगर समझते हैं बाबू। मान लिया जाए थीटा एगो दे दिया जी 30 डिग्री, और एगो दे दिया बाबू कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप बाबू हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़िएगा, तो उसमें आपको 2 गो आपको थीटा मिलेगा, एक थीटा मिलेगा 30 डिग्री, एक मिलेगा 60 डिग्री, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, तो अब आपके सामने 2 गो उसमें उन्नयन कोण आएगा। तो बहुत सारे बच्चा को बाबू प्रॉब्लम होता है कि कहां हम 30 रखें और कहां हम 60 रखें, ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा समस्या है। जब हम पढ़ते थे तो हमको भी इसी में ज्यादा प्रॉब्लम रहता था, बनाने के लिए सब आता था, ठीक है ना, लॉन्ग प्रोसेस से सब बना देते थे, लेकिन हमें इस बात का सीख नहीं था कि कहां 30 डिग्री होगा और कहां 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, चलेगा। तो बाबू हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं जी, चलेगा बाबू। जब उन्नयन कोण 2 गो होगा तो आकृति कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना,
आकृति कब बनेगा आप खुद सीख सकते हैं जब प्रश्न आएगा, तो केवल आकृति सीखिए, जो सिखा रहे हैं उसको आप केयर कीजिए। ओनियन कोन बाबू ऐसा बनेगा और फिगर एक ऐसा बनेगा, जब दो ओनियन कोन देगा तो ऐसा ऐसा बन सकता है, ठीक है ना, बनेगा नहीं बन सकता है, चलेगा। तो बाबू ये मान लिया जाए ये आपका कोई हाइट वाला वस्तु है, मान लिया जाए ये टावर है, मीनार है, भवन है, कुछ भी है, इसका बाबू शीर्ष है, ठीक है ना। पहले स्थिति में बाबू यहां पास थे हम, जब हम दूर जाते हैं जी कहीं जाते हैं तो हमें इंतजार रहता है, हमको यहां से चलना था बाबू इस बिल्डिंग के पास, इस भवन के पास, तो हम लोग देखे कि उका शीर्ष लौक रहा है छत, हमको वही जाना है, वही घर में जाना है, तो हम लोग बाबू यहां से देख लिए तो सोचे कि कुछ डिग्री कोण बनता है। हम लोग बाबू यहां से यहां चल रहे थे आने के लिए, यहां पास आए थोड़ा सा हम लोग थक गए, सोचे कि आराम कर लेते हैं, आराम करके फिर हम लोग खड़ा हुए चलने के लिए शुरू किए, तो फिर देख लिए कि अभी हुआ उतना दूर है, तो फिर देखे तो फिर कोण बना, यानी कि दो गो कोण बना, ठीक है ना। तो बाबू क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग दो बार तीन बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसको बाबू 30 और 60 का वैल्यू नहीं पता होता है कि कहां रखें, तो वो दो बार तीन बार क्वेश्चन को पढ़ता है कि फिर से पढ़े तो फलना कोची कह के, ठीक है ना। तो हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे बाबू, एगो 30 है एगो 60 है, दूर तक आपको एगो ट्रिक याद रखना है, दूर तक कम बनेगा कौन, अब नजदीक तक ज्यादा बनेगा, आया बात समझ में, दूर तक कम बनेगा और बाबू आपका नजदीक तो ज्यादा बनेगा। तो ये बिल्डिंग है जी, ये बिल्डिंग से हम यहां है और वो इस स्थिति में है, तो दोनों स्थिति में दूर यहां पास न है बाबू, तो दूर है तो कम बनेगा, तो दूर है तो कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, दूर है तो कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, और बाबू नजदीक आ गए तो ये दोनों में फिर कितना बनेगा, ये वाला 60 बनेगा, आया बात समझ में, दूर तक कम और नजदीक तक ज्यादा। अब चलेगा जी, अब आप थीटा रखने के लिए सीख गए। अब बाबू देखिएगा मेन इसमें हम यूनिट सिखा रहे हैं बाबू, इसको खूब बढ़िया से सीखिएगा आप लोग पूनम, ठीक है ना, बढ़िया से सीखिएगा। ये बाबू देखिए इसमें आपको दो गो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दो गो दिखाई दे रहा है, एक आपका ए वाला त्रिभुज है और एक आपका बाबू ए वाला त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज है कि नहीं है जी, बोलेगा कि सर जी दो गो त्रिभुज है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बाबू दोनों त्रिभुज में बताइए, इस वाले त्रिभुज में और पूरा बड़े वाले त्रिभुज में, क्या ए वाला जो भुजा है, क्या ए वाला साइड है, क्या यह कॉमन है कि नहीं है जी, ए जो साइड है कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी ए साइड है और बड़ा सा त्रिभुज के लिए भी ई साइड है, यानी कि हम देख रहे हैं बाबू इसका जो ऊंचाई होगा या इसका लंबाई होगा दोनों स्थिति में क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। अगर इस त्रिभुज के लिए ये 10 मीटर है तो ये बड़का त्रिभुज के लिए भी कितना रहेगा, 10 मीटर ही रहेगा, आया बात समझ में, दोनों स्थिति में इसका लंबाई बराबर होगा, तो हमको बाबू लंबाई बराबर करना है सभी को, ठीक है ना, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो पहले बाबू इस त्रिभुज में देखेंगे तो टेन कितना डिग्री है, तो बोलिए सर जी की टेन 60 डिग्री है और टेन 60 डिग्री के मान होता है √3/1, यानी कि ई वाला बाबू होता है लंब और ई वाला होता है आधार। तो इस त्रिभुज में बाबू यही त्रिभुज में कर देखे थे 60 डिग्री है बाबू यही त्रिभुज के, तो इस त्रिभुज में लंब कितना बाबू √3, यानी कि ई वाला बाबू अगर √3 होगा तो इस 60 डिग्री में इतने आधार है तो ये आधार कितना होगा, 1 होगा, आया बात समझ में बाबू जो समझा रहे हैं। अब चलते हैं जी, अब बड़ा सा त्रिभुज में, बड़ा सा त्रिभुज में बाबू टेन कितना डिग्री है, तो बोलिएगा कि सर जी टेन 30 डिग्री है और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब बाबू फार्मूला P/B, यानी कि अबर हो गया ऊंचाई 1, आधार हो गया √3, तो बाबू लंब हो गया बाबू 1, लेकिन लंब 1 है हो, पहले से कितना है √3 है, लेकिन दूसरा कंडीशन में आ रहा मेरा कितना, 1 आ रहा है, लेकिन हमने बताया कि दोनों स्थिति में ई वाला जो साइड होगा इक्वल होगा जी, इक्वल होगा बाबू, यानी कि √3 होगा। अगर हमको 1 को बाबू 2 बनाना है, देखो कोई भी चीज को बाबू, कोई भी मैथ पढ़िए, चाहे अर्थमेटिक पढ़िए और चाहे तो बाबू आप एडवांस पढ़िए, अगर दो अगर आइटम को बराबर होता है तो जोड़ करके बराबर नहीं करते हैं, हम लोग पढ़े होंगे कभी बचपन में याद होगा, चाहे आप पढ़े होंगे बाबू रेशियो में कि समान अंक से गुना या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
हम लोग परिवर्तन क्यों नहीं परिवर्तन होता, हम लोग को बराबर करना है। तो ये बाबू एक है, हम कहेंगे कि इसको दो बनाओ, तो दो कैसे बनाएगा, एक जोड़ के? नहीं, दो से गुना करके, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग गुना करेंगे भाग करेंगे तो फिर बात वही रह जाता है। तो ये बाबू लंब है बाबू एक, लेकिन पहले से लंब है नहीं, कितना रूट थ्री, तो हम सोची थी कि एक ना रहे रूट थ्री रहे, तो रूट थ्री से बाबू ऊपर हूं गुना और रूट थ्री से बाबू नीचू गुना, तबे नहीं काट के फिर वही बात रह जाता, लेकिन काटेंगे नहीं, ऊपरे हो जाएगा रूट थ्री और नीचे हो जाएगा बाबू कितना तीन। या तो फिर बोल सकता है कि हर को परमेकरण कर दीजिए, हर को परमेकरण, परमेकरण क्यों करते हैं, किसी भी बाबू जब उत्तर देते हैं तो हर में यानी कि रूट में बाबू, अगर हर में यानी कि अंश है हर, हर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम लोग परमेकरण भी कर सकते हैं, रूट थ्री ऊपर से और नीचे से, तो ऊपर हो जाएगा रूट थ्री, नीचे हो जाएगा कितना तीन। तब बताए जी टेन तीस का मान रूट थ्री बटा तीन, तो ई जो बाबू आपका है लंब है, तो देखिये तो लंब है कि नहीं, ई बाबू है आधार है, लेकिन आधार कितना डिग्री तक, 30 डिग्री तक, तो ई खूब लंबा, ज्यादा लंबा ना है बाबू, ई एक है तो ई वाला कितना है अधिक लंबा है, तो ये आधार कितना है तीन है, ई वाला बाबू आपका तीन है। तो बतलाइए जी ई वाला अगर तीन है, ई वाला अगर एक है, तो ई वाला कितना हो जाएगा बाबू, ये पूरा तीन है, ई वाला एक है, तो टोटल को हम लोग दो बोलेंगे इसको, यानी कि दो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बाबू इसको उतार लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है ना। अगर यही बाबू अगर और दूसरा कोण दिया हुआ रहता, इसको उतार लेंगे, अगर आपके पास कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं या है तो, ठीक है ना, कहे कि आगे थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन आएगा, तो इसको बाबू उंगली पर हम लोग याद कैसे रखेंगे, उंगली पर याद कैसे रखेंगे कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो ऊंचाई होगा रूट थ्री, आधार होगा बाबू छोटका आधार एक, बड़का आधार बाबू कितना तीन, और दोनों का अंतर कितना दो। तो आप लैंग्वेज से पढ़ करके समझिएगा कि आखिर किसका वैल्यू देल है, एक का मान देल है कि दो का मान देल है कि तीन का मान देल है कि रूट थ्री का मान देल है। हमको पूरा उम्मीद है बाबू आप जरूर समझ जाएगा लैंग्वेज पढ़ करके, जब आपके सामने लैंग्वेज होगा तो, ठीक है ना। बस आप केवल यूनिट पे ध्यान दीजिए जो यूनिट सिखाया जा रहा है, चलेगा। अब हो सकता है बाबू कि टेन थीटा बाबू 30 और 60 बना, हो सकता है अब आपका टेन थीटा बाबू 30 डिग्री और 45 डिग्री बने, अब ऐसा भी हो सकता है यूनियन कोण 30 बनेगा 45 बनेगा, तो बतलाइएगा बाबू इसमें यूनिट कैसे निकालेंगे जी, ठीक है ना, इसमें यूनिट कैसे निकालेंगे बाबू। हम बार बार कर रहे हैं, अगर यूनिट सीख गए ना तो आपका उंगली पर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तुरंत बनाइए कितना भी लंबा लंबा हो। तो 30 डिग्री बाबू कहाँ होगा 30, यहाँ होगा 30 जी, ताकि नहीं सर जी यहाँ होगा, आप ही तो बताएं कि दूर है तक कम बनेगा, तो लो बाबू हम बताएं जो करो ये 45 हो जाएगा। टेन 45 के वैल्यू एक बट्टा एक, यानी कि एक लंब भी और एक कौची बाबू आधार भी, आ रहा बात समझ में जी। टेन 45 का मान बाबू पूनम एक बट्टा एक, एक आपका लंब और एक आपका आधार, 45 तक में आधार इतने हैं इसलिए एक। टेन बाबू 30 डिग्री, अब पूरा है 30 डिग्री, टेन 30 का मान कितना एक बट्टा रूट थ्री, एक लंब, तो बताइए तो ये लंब है कितना, एक ना है जी, एक है और एक आहूं गया, यानी कि इसको भी हम लोग का परमेकरण करेंगे, ताकि नहीं सर इसको नहीं करेंगे, एक पहले से है और बहियो एक है, यानी कि बात बराबर है, लेकिन आधार कितना है बाबू रूट थ्री, कहां तक आधार है 30 डिग्री तक, यानी कि यहां यहां बाबू रूट, अब कितना है रूट थ्री है ई बाबू रूट थ्री आई वाला एक, तो जब शेष बचने तो यही ना हो, तो एक कोची कहवे रूट थ्री माइनस एक, आया बात समझ में, यानी कि यहां से यहां वैल्यू आपका हो गया रूट थ्री माइनस एक। चलिए उम्मीद करते हैं बाबू आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, आप माइंड में रखिए, हम तुरंत देंगे बनाने के लिए इस पे क्वेश्चन, ठीक है ना, चलेगा। अब बाबू हो सकता है जी यूनियन कोण कितना दे दे, 45 डिग्री दे दे और 60 डिग्री दे दे, आप अपने दिल से पूछिए जी कि क्या आप इसे बाबू यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, क्या आप बाबू 45 और 60 के माध्यम से क्या इस प्रकार यूनिट बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो एक बार यस लिखिए, अगर बना सकते हैं तो जल्दी से एक बार बाबू जवाब दीजिए, तबे तो हमें लगेगा ना कि सीख रहे हैं आप लोग, अगर बना सकते हैं तो बोलिए बाबू भोलू शर्मा हाँ,
अच्छा भोलू, तुमको स्पेशल बोल रहे हैं, भानु सॉरी, आपको बना करके तुरंत व्हाट्सअप करेगी हमारे पास, ठीक है ना। प्रेम कुमार यस सर, मिथिलेश यस सर, ठीक है ना। शालिनी यस सर, बहुत बढ़िया आराधना। तो बाबू ईमानदारी पूर्वक सभी लोग जितना हम हाइट एंड डिस्टेंस से बताएं, एक बार ईमानदारी पूर्वक छुट्टी होगा, क्लास बंद होगा, खा पी के गोड़ हाथ धो के आराम से बाबू, हाँ रूपांजलि हम समझ रहे हैं, रूपांजलि हो भानु शर्मा, ठीक है ना, एक बार आराम से जितना पढ़ाएं, ठीक है ना, हम कॉपी पर देखेंगे एक बार, ठीक है ना, तभी तो हमको लगेगा ना कि नहीं भाई पढ़ रहा है। एक बार आप चलो भाई वीडियो देख लिए, एक बार वीडियो को फिर देखेंगे और हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना बाबू। बनाने से हमको फायदा नहीं है, आप ही के लिए बताया जा रहा, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू, आप ही के लिए बताया जा रहा है, चलिएगा। तो बाबू चलिए, थोड़ा सा टफ है, हम सिखा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो कल के डेट में जो चलेगा हाइट एंड डिस्टेंस बाबू, आप बहुत ज्यादा सीखेगा। और जो बाबू प्रैक्टिस नहीं करेगा उनको 100% बताते हैं, कल उनको बाबू बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है ना, चलेगा। तो बाबू 45 अगर 60 बनाना है तो कैसे बनाएंगे 45 60 को, 45 60 को कैसे बनाएंगे बाबू 45, तो कहां होगा यहां जी, नहीं सर यहां पर 60 डिग्री होगा, यहां हो जाएगा 60 डिग्री और यहां पास होगा 45 डिग्री। अब बताइएगा 60 डिग्री में लेकर के चलना है जी, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, रूट थ्री बट्टा एक, यानी कि पी आई आपका बी, ये पी है बाबू, ये आपका बी है, तो पी कितना हो जाएगा जी, रूट थ्री आई आपका कितना हो जाएगा एक, आया बात समझ में कोरोना वायरस। चलिए अब बाबू 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री है, टेन 45 का मान होता है कितना जी, एक बट्टा एक, यानी कि लंब भी एक और आधार भी एक। तो देखिए तो बाबू दोनों ट्रायंगल में कौन वाला साइड कॉमन है, ये वाला साइड कॉमन है, तो ये वाला पहले से रूट थ्री लंब है जी, लेकिन अब लंब आया कितना मेरा एक आया, लेकिन हमने क्या बताया दोनों इक्वल रहना चाहिए, क्यों इक्वल रहना चाहिए कि क्योंकि यह जो साइड है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, तो ये रूट थ्री है बाबू, तो यही रूट थ्री रहना चाहिए। तो क्या बताए कैसे करेगा बराबर, रूट थ्री से ऊपर हूं गुना और रूट थ्री से नीचे गुना, तो रूट थ्री बटा रूट थ्री, ये फिर बाबू कट के बात बराबर ना आ जाएगा जी, एक बटा एक आ जाएगा, लेकिन हम लोग काटना नहीं है। तो बाबू लंब आ गया आधार कितना रूट थ्री, बहुत बढ़िया बाबू, कृपा शंकर का सही था, ये बाबू रूट थ्री इबला एक और एक वैल्यू कितना आ जाएगा रूट थ्री माइनस एक, ये आपका हो गया, ठीक है ना, चलेगा। तो आपका बाबू बेसिक में फर्स्ट फिगर बताएं, ये आपका सेकंड फिगर था, एक और हम लोग चलेंगे थर्ड फिगर कल, कल चलेंगे बाबू, आपका कल समाप्त हो जाएगा और एक दिन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। ये हम लोग सीखे बाबू, सीखे तो हम लोग क्वेश्चन इस पर बना करके देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में, ये वाला जो मेथड हम लोग सीखे ये काम कैसे करेगा, सीख तो लिए, अब हम मंत्र याद रख ले ली बाबू सब चीज के, अब मंत्र याद रख ले लिया, ओकरा झाड़ी नावे थे कि कौन वाला में सांप वाला मंत्र लगाए कि छुछुंदर वाला कि बिच्छा वाला, ठीक है ना, तो हम लोग मंत्र याद कर लिए, अब देखते हैं एक आध को मंत्र को लगा करके, चलेगा। बहुत बढ़िया भानु आई है बात कर रहे, ठीक है ना, शालिनी और भानु एक दूसरे से बात कर रही है, चलेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक क्वेश्चन के माध्यम से कहता है, क्वेश्चन कैसे काम करेगा बाबू ये सीखे जो, कहता है बाबू कि कोई व्यक्ति किसी स्थान से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, 30 डिग्री पाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति है बाबू किसी स्थान पर खड़ा है, वहां से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना पाया, 30 डिग्री पाता है। अब आगे है, जब वह 50 मीटर टावर की ओर चलता है, टावर की ओर चलता है, अब कहता है बाबू कि 30 डिग्री पा लिया, अब वहां से चलना शुरू कर दिया, कि
किधर बाबू? जब वह 50 मीटर टावर की ओर चलता है तो पुनः उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलेगा, कोई है बंदा जी, कोई वैसा लड़का है जो इसको बना देगा बाबू? अगर कोई है तो आपको बाबू एक मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है ना? एक मिनट के लिए आपके पास समय है, आप एक मिनट से अंदर बनाइए, नहीं तो फिर हम बनाएंगे बाबू। जल्दी से बाबू, अगर कोई है लगता है कि हम बना देंगे सर, उनके लिए टाइम दिया गया है, अवश्य प्रैक्टिस करें, बनाए। पूनम बता रहे रूट थ्री। ई बाबू पूनम, ये कौची है रे? ये रूट थ्री तो यूनिट है ना, हमको ऊंचाई बताना है बाबू पूनम, ठीक है ना? चलेगा, बहुत बढ़िया पूनम, लेकिन पूनम सॉरी सर, कोई बात नहीं, बनाइए। इतना तो बताएं ना रूट थ्री है यानी कि ऊंचाई है। चलिए बहुत बढ़िया पूनम, बताइए इसमें वैल्यू निकालिए। ऊंचाई रूट थ्री होगा, ये यूनिट है बाबू, लेकिन हमको एक्यूरेट वैल्यू बताना है। चलेगा, कृपा शंकर का 25√3, बहुत बढ़िया कृपा शंकर, बहुत बढ़िया। 50√4 होते रहे शुभम, ये कोची बोल रहा है जी? कृपा शंकर का सही 25√3, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए, कृपा शंकर 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे, मिथिलेश 25√3, रुपेश 25√3। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, कहाँ गई भानु, भानु शर्मा बाबू। चलेगा, कहता है कोई व्यक्ति बाबू किसी टावर के से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। ये बाबू टावर है। कहता है कोई व्यक्ति किसी स्थान से, मान लो कि स्थान पर है व्यक्ति जी, यहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री पाया? अब बाबू समझिए कि धरती पर आदमी है जी, यहाँ पास पाया बाबू 30 डिग्री। ये कहता है बाबू कि आदमी टावर की ओर चला, कितना चला बाबू? 50 मीटर। ये ना कि हिया से हिया सीधे चला देना, 50 मीटर चला बाबू। तब 50 मीटर चला, यहाँ पर यहाँ करके फिर देखा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बना? 60 डिग्री बना, 60 डिग्री बाबू बना जी। अब बताइए 60 डिग्री बना जी, तब पूछता है कि टावर की ऊंचाई कितना होगा? तब बाबू 30 और 60 में हमने अभी आपको सिखाया यूनिट निकालने के लिए, सिखलाया जी कि इबला होगा √3, इबला होगा 1, इबला होगा पूरा 3, और इबला होगा बाबू कितना? 2 होगा, यही ने बताया हमने जी। अब देखिए 50 मीटर केकर मान दे ले बाबू, पूनम किसका दिए हुए 50 मीटर? ताकि सर जी 2 का दिए हुए है, यानी कि 2 का मान 50 मीटर, तो 1 का मान 25 मीटर, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई, तो ऊंचाई है कितना बाबू टावर? यानी कि √3 के मान, यानी कि 25√3 मिनट आप सॉरी मीटर आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया बाबू सभी को? समझ में आया जी जो हम दिए? चलिए, गलत है वर्मा, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे हम लोग देते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी पर, जल्दी से बनाइएगा सभी लोग। अभी आप लोग पूनम सीख गए, अब आप लोग भी बना सकते हैं कैसे वैल्यू रखना है, ठीक है ना? चलिएगा, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है जी, किसी टावर की ऊंचाई, किसी टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, कोई व्यक्ति टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, 60 डिग्री पाता है, ठीक है ना? 45 डिग्री लिख लीजिएगा, 45 डिग्री पाता है, जब वह टावर की ओर कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी चलता है, तो
उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें चलेगा। जल्दी से बनाए कृपा शंकर, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें, जल्दी से बनाइएगा। अगर आपसे दूरी पूछ दिया कि वह कितना दूरी चला जी, कि 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, चलेगा, जल्दी से बनाइएगा कृपा शंकर। रुपेश, शुभम, जल्दी से बनाएगा। चलेगा आराधना, जल्दी से बतलाइए कितना होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। चले पिंटू, 100/3, बहुत बढ़िया पिंटू, बहुत बढ़िया। पूनम, 99 तुम कैसे बताती हो यार, 99 तुम, अच्छा एक घटा दी है रे, वो पूरा यूनिट है बाबू पूनम, एक तो घटा दी है, 100/3 होगा। हम समझ रहे हैं पूनम, आप समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, वो जो एक घटाएंगे नहीं, यूनिट है बाबू पूनम। शालिनी, 100/3, मितले 100/3, बहुत बढ़िया। आराधना 100/3, भानु 100/3, चलेगा। शुभम वर्मा 100/3, चलेगा, बहुत बढ़िया। सुनी भानु शर्मा, आपको बताया जा रहा ठीक है ना, और सभी लोग को जितना बताएं बाबू ईमानदारी पूर्वक, चलेगा। सभी लोग बाबू एक कॉपी पर लिखेंगे, बनाएंगे एक बार फिर से, सब कोई हमें बाबू व्हाट्सअप करेगा ठीक है ना, न तो कल से हम क्रिया खिया के पढ़ाएंगे ठीक है ना, पढ़ावे लागी जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे ठीक है ना। आपके लिए बाबू हम घरे नहीं गए हैं, जहानाबाद रह करके पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग कम से कम घर में रह करके तो इतना कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, 100/3 चलेगा। अब बाबू ये सब माइंड में रखिए ठीक है ना, माइंड में रखिए, कैसे उंगली पाँव ने बताया कैसे होगा जी, कितना कितना है, 30 है बाबू, और बाबू कितना है, 45 है ना, तो ऊंचाई बाबू ठीक है ना, ऊंचाई सबसे पहले B1 और B2, ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, √3। B1 हो जाएगा कितना बाबू, 1 हो जाएगा। अब B2 कितना आ जाएगा बाबू, √3 हो जाएगा। अब B2 माइनस B1 कितना हो जाएगा जी, √3 - 1, तो चली गई दूरी यही ठीक है ना। तो आप लोग बाबू समझना होगा यूनिट जी, यूनिट ऊंचाई, ऐसा ही ना बनेगा फिगर बाबू। देखिए हम क्या नाम दिए हैं, किसको समझिएगा, ये आपका ऊंचाई है, ये आपका B1 है, ये आपका पूरा B2 है, ये आपका पूरा क्या नाम रखे हैं, base 2। आई जो है बाबू base 2 और base 1 का अंतर, ये आपका क्या है, B2 माइनस B1 का अंतर ठीक है ना। तो हम बाबू इस तरीके से माइंड में रखे हैं, हम लोग जी ऐसा नहीं बनाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर बिना फिगर के बनाएंगे ठीक है ना। तो बाबू आपका दिया हुआ है, ये आपका आ गया रेशियो, अब दिया हुआ क्या चीज, ऊंचाई, तो ऊंचाई केकर मान दल है बाबू, ऊंचाई दिए हुए है जी, इसका ना मान दिए हुए है, कहता है कि यदि टावर की ऊंचाई कितना है, √3 है, यानी किसका मान दिए हुए है, समझ में आया बाबू सभी लोगों को, आप सभी लोग गलत किए हैं ठीक है ना। 30 है जी, 30 में कितना हो जाएगा, गलती तो लिख रहे हैं नहीं ना, 30 में बाबू ई आपका 1 हो जाएगा, ई आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका √3 - 1, मिस्टेक हो रहा था हमसे, गलती हो रहा था। ऊंचाई बाबू दिया है 1 का मान, 1 का मान कितना मीटर, 100 मीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है उसके द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बाबू कितना, अंतर पूछ रहा है, अंतर बाबू √3, तो बाबू इस 100 को जी इसमें पूरा गुना करेंगे ना, कि ऐसे कर दी थी पूनम, हम समझ रहे हैं, निकाल दिए √3 - 1 = 100, तो √3 का मान 1 जुटेगा, ऐसे नहीं होगा ठीक है ना, ये पूरा उतना का मान पूछ रहा है, तो यानी कि चली गई दूरी, तो दूरी बराबर बाबू 100 √3 - 1 मीटर ठीक है ना। तो सभी लोग बाबू शॉर्ट में इस तरीके से समझेगा ठीक है, आज के लिए इतना ही बाबू, फिर हम लोग मिलते हैं 10 बजे ठीक है ना, और जो आपको बताया गया आप प्रैक्टिस कीजिए घर में रह करके ठीक है, नहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अभी कोरोना वायरस का डेट और बढ़ेगा, चलेगा।